हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज तो हम लोग छोटे गांव का बाहर का मंजिल और ये जो बाहर क्या फसल आ रहा है बाहर का हम लोग शेयर कराने वाले हैं। अपना गांव से तो ये तो 4-5 किलोमीटर के पास में है। बारिश ज़्यादा होने के वजह से हर जगह में चावल, मूंगफली, सब्जी बहुत से अभी आदमी लोग ये जो किसान हैं सब ये सब उगा रहे हैं। आप लोग खुद देखिए, आपके जो आगे जो फसल है ये तो चावल का फसल है, राइस। ये तो थोड़ा सा अभी ये जो चावल है ये तो थोड़ा सा चावल भी आगे बन गया है। अभी और 2-3 महीने के अंदर इसको तो अभी काटना पड़ेगा। आज तो मैं अपना व्लॉग के अंदर मैं गांव का शेयर कराने वाला हूं। ऐसे भी अपना दोस्त अभी मेरे को बताया कि खेती में ये जो चावल है ये जो मूंगफली है वो निकाल रहे हैं, इसीलिए मैं अपना दोस्त का पास जा रहा हूं। अभी दिखाता हूं। ये तो एकदम बहुत बड़ा पेड़ है, एकदम एकदम रोड के किनारे में है। इसके अंदर तो देखिए ये जो पैरेट बताते हैं ये पैरेट इसके अंदर बहुत से हैं, कई साल पुराना है। ये तो थोड़ा आपको दिखाई देता है क्या नहीं, अपना कैमरे के अंदर इतना जूम नहीं है। इसके अंदर ये जो छोटा छोटा होल है ये तो पैरेट का घर है। अभी मैं आप लोग को आवाज़ में ये जो पैरेट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस साल में तो बारिश ज़्यादा होने के वजह से तो पानी ज़्यादा हो रहा है। आप लोग देखिए ना, इधर तो थोड़ा पानी भी बह रहा है। अभी तो पानी के अंदर ये लोग जो घर के अंदर ठंडी का जो वो कपड़ा है घर में जो सफाई नहीं करता है, इसी तरीके से ये जो पानी बहता है इधर लेके आके ये लोग साफ़ कर लेते हैं। समझो कि ये जो गांव वालों का वॉशिंग मशीन का जैसा है, हाथ से सफाई करते हैं। अभी तो टाइम 10 हो रहा है, थोड़ा धूप का मौसम है। अभी ये लोग हैं ये बकरियां इसको थोड़ा सा चरने के लिए और घुमाने के लिए निकाल रहे हैं। अभी खुद आप लोग देखिए, अभी ये लोग तो बकरियां लेके जा रहे हैं। अभी ये लेके जाके साथ में ये लोग तो खाना थोड़ा बहुत, अभी ये देखिए ये तो पानी का बाटल भी लेके जा रहे हैं, साथ में खाना भी है इन लोगों का, यही खाना है। इधर तो अभी ये बूढ़ी माँ साहब ये जो औरत है ये भी खुद खाना साथ में लेके जा रही है। ये जो खाना खा के अभी दोपहर के वक्त में ये लोग आ जाएंगे। ये तो एकदम पुराना बड़ का झाड़ बताते हैं इसको, तो ये तो बहुत से जो आदमी को दाढ़ में दर्द है बताते हैं कुछ ना कुछ, ये तो वो आदमी लोग को काम आएगा। ये एकदम पुराना झाड़ है अपना गांव का। गांव वाले भी इधर तो ये जो बैठने के लिए इधर मकान बनाया हुआ है, जब तक ये जो बस स्टॉप में जैसा समझिए अभी ये गांव का बस स्टॉप जैसा ही है, अभी कभी कभी इधर आके बैठते हैं और बस के लिए इंतज़ार करते हैं। अभी तो मैं ये जो आम का बागान को अपना दोस्त के यहाँ पे अभी जा रहा हूँ। इधर तो देखते हैं आम का झाड़, तो ये 3-4 साल का छोटा झाड़ है। अभी तो ये जो प्लेस है इधर तो वो लोग वेस्ट नहीं किए भी घर, इसके अंदर तो मूंगफली का झाड़ डाल दिया। ये तो मूंगफली का झाड़ है, एकदम पूरा तैयार है। आदमी लोग भी अभी उधर आए हैं। ये भैया, बोलो सर। हाँ यही है अपना दोस्त, ये भी छोटा किसान है। ये जो बागान का काम है ये जो मूंगफली और इनके थोड़ा बहुत चावल भी ये लोग उगाते हैं। देखते हैं कि आप लोग थोड़ा दिखाइए भाई साहब। ये तो एकदम
मूंगफली निकाल के दिखा रहा है। अभी तो आदमी लोग इसको निकाल के धूप में थोड़ा सुखाने के बाद में मूंगफली पत्ते से अलग करते हैं। फसल तो थोड़ा बहुत सही है, एकदम सही है ये देखने के लिए। मूंगफली भी सही आया है, ये बोलता है इस फसल के अंदर इसको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा। कोई कोई आदमी को ये जो फसल है इसमें तो थोड़ा घाटा उठाना पड़ता है, लेकिन इस साल में ऊपर वाले के रहम से ये तो मूंगफली में बहुत से फसल आई करके बताता है। हाँ, ये तो मूंगफली इधर ये लोग पूरा खींच के इधर डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा धूप आने के बाद में इसको थोड़ा सुखा के, ये जो मूंगफली है मेरे ख्याल से एकदम सही है। ये जो तेल वाला मूंगफली है लाल होता है, कई रकम के इसके अंदर मूँगफलियाँ रहते हैं, लेकिन हमारे ओर तो ये तो तेल का मूँगफली है। सूखने के बाद में एकदम अंदर बीज एकदम लाल हो जाएगी। मैं अभी देखिए भाई साहब दिखा रहे हैं, देखिए अंदर ये अभी तो ये थोड़ा सा कलर लाइट से दिख रहा है, सूखने के बाद में एकदम लाल सफ़ेद भाई कई रकम के मूँगफली हैं। आदमी ये जो औरत लोग हैं इधर काम करने के लिए आए हैं, मेरे हिसाब से ये 7 औरत इधर काम करने के लिए आए हैं। सुबह 7-8 बजे ये लोग औरत आ जाते हैं। अभी तो ये लोग ये जो मूंगफली का बागान है ये लोग सुबह से खींच रहे हैं। ये लोग तो देखिए आप लोग सुबह ये तो 7-8 बजे आ जाते हैं, फिर वापस ये लोग लंच का टाइम में थोड़ा सा खाना गिना खा के ये लोग वापस फिर काम पे चढ़ जाते हैं। फिर काम पे चढ़ जाते हैं, 4 बजे तक काम करते हैं। इनको 300 रुपये या 350 रुपये तक इनको लेबर मिलेगा। बाद में वापस ये सब इकट्ठा करके इसको थोड़ा सा सुखा के ये लोग आके क्या करते हैं, इसको बीज और पत्ता अलग करते हैं। देखिए आप लोग खुद अपना हाथों से बागान में, अपने ही यहाँ के औरत हैं। हाँ देखिए एकदम फास्ट से काम कर रहा है। हाँ मैं माँ साहब से बात करने की कोशिश रहते हैं, देहाती लोग हैं। देखिए माँ साहब, हाँ जी कितना मिलेगा आपको पैसा एक दिन का? ये लोग बात करने के लिए शर्माते हैं, नहीं है आदमी है ये, कभी कैमरा नहीं देखा। हाँ वो चू नहीं मांगता है, बताते हैं बताने के लिए। मेरे हिसाब से 300-350 ये लोग का तो लेबर रहता है। ये लोग तो देखिए बूढ़ी माँ साहब जी, माँ अम्मा जी भाई थोड़ा तुम दिखाओ सूरत हो अम्मा जी। हाँ थोड़ा दिखाओ। हाँ वो आका अपनी औरत है, ये भी अम्मा जी भी हैं इधर, देखिए ना अभी। हाँ ये लोग गए देखो, माँ साहब ये भी हैं अपने साथ में। हाँ अम्मा जी ना कैसे हैं आप, कैसे हैं? हाँ ये लोग जमान नहीं समझते, एला उंडा माँ बागुंडा। हाँ ठीक है बताते हैं ये लोग के लिए हमें। इस बागान के अंदर आप लोग देखिए, ये तो सागवान का झाड़ है, एकदम सही लकड़ी है। और भी इधर तो मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अभी तो ये जो मूंगफली उगाने के लिए कितना मुसीबत है। आप लोगों को पैसा रहेगा तो अपना घर तक आके पहुंच जाएगा, लेकिन अभी इसको तो पूरा इकट्ठा करना पड़ेगा और एक एक करके इसको खींचना पड़ेगा। इधर तो ये जो गाय रखा हुआ है देसी गाय है अपना गांव का, हाँ ये तो इसको खाने के लिए इधर इसको लेके आया है, फिर वापस घर को जाने के टाइम में वापस फिर इसको लेके जाएंगे। अभी तो मैं आप लोगों को मूंगफली के लिए ये बागान दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अपना व्लॉग अच्छा रहेगा तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में और अच्छे से रेसिपी और व्लॉग बनाने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, फिर लेंगे, बाय।